श्यामो नगरी में पहुंच जाते हैं, जहां के राजा श्याम धाम थे। राजा श्याम धाम की एक लड़की थी जिसका नाम था रतन कौर। उसका एक गुप्त बीमारी थी। उस नगरी से रोजाना एक मानस की भेंट जा करती थी। ये बताते 12 साल पहले उस पठियारी का पति उस भेंट में गया था और अब उस लड़के का नंबर था। वो अपने बच्चे न नुहावे, बढ़िया बढ़िया पकवान तार रखे। राजा वीर विक्रमाजीत ने ये नजारा देखा, रुकिया नहीं गाय कि बेबे ये इतने बढ़िया पकवान तार रखे तो रो, क्या कारण है कि भाई यहाँ मुसाफिर आते हैं और चले जाते हैं, के कर का कारण पूछ के कि भाई क्या दुख है तेरे अंदर, मैं पूछना चाहता हूं। तो उसका दुख पूछता है राजा वीर विक्रमाजीत उस पठियारी से, क्या कहता है, क्या लिखा है, क्या रोवण यारी तेरे में ए इशाना समझिए मने एक पैरा के दुख दूर करिया क्या ताकत से मेरे में तेरे में ये गहराई के दुख दूर करनिया या ताकत से मेरे में कि बेबे मत रात हम का भाई और किसी बात का भी संकोच ना करिए, ये मत ना पूछूंगा और सच्ची बतानी पड़ेगी। यो दुख तो ना है कौन सा, क्या था पहले नंबर पर क्या लिखा, सुने बोली भाई के बल्लम बदमाश सकरा के ननद जठाई तो ही लड़ाई धर्म बाजा पास सकरा के दिल से कराए ठीका पर कर राखा साके के दिल से कराए पर कर राखा साके चेहरा हुआ उदास तेरा कैसा सुन बोली मारी के बालम बदमाश तेरा के ननद जठानी तो हुई लड़ाई घर में बाजा बांस तेरा के देवर से तेरा ठिल्ला यो बंद कर रखा सांस तेरा के चोरा ने मार लूट लिया तेरा आंधी और अंधेरे में
गहराई के दुख दूर करनिया या ताकत से मेरे में बेबे ये कदे कोई सी कुछ चिट्ठी आ रही हो कोई ये कोई सा पेरा आ गया हो कोई उस बात का दुख मान रही हो क्या कहा दो नंबर पर जाने इसी कसूती इसी कसूती या चट्टिया इसी कसूती चट्टियाई गोती नाती प्यारे थी के तेरे संग में ओई लड़ाई सब दबाई चारे थी कोई आवे कसम गुस्साई ना मैं आया था ठहरन खतरे तू भी सुखिया पाई ना ये डेट पे समझिए मने मैं अपना पता बताऊंगा तेरे क्योंकि मैं उड़ उतार रहा हूं जो भी दुख है वो बताना पड़ेगा ये यो दुख तो ना है तेरे में कौन सा क्या कहा क्या लिखा मर्याई सयाए का सारा थे